योग करते हैं वह इस महीने कुछ कहीं कृपा करें श्री सतगुरु महाराज की जय। 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 अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन एवं उपस्थित सत्संगी महानुभाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों सबों के चरणों में मेरा वंदन। अभी हम लोग रामचरितमानस सारसटी से सत्संग की महिमा के विषय में सुन रहे थे। सत्संग की महिमा के बारे में जानने से पहले जानना होगा आखिर सत्संग क्या है। अगर हम सत्संग का संधि विच्छेद करें सत और संग, तो सत क्या है? दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो सत है, सब नश्वर है और एक परमात्मा ही सत है और परमात्मा सत है। अगर उसका संग करते हैं तो असली सत्संग हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। इसके लिए हमको साधना करना पड़ेगा। अगर साधना करते हैं, अगर नादानुसंधान की क्रिया पूर्ण रूप से करते हैं, उसके बाद जब परमात्मा उस धाम में पहुंचते हैं तब जो संग हुआ वो असली सत्संग हुआ। ये जो है इसी तरह से सत्संग को तीन श्रेणी में बांटा गया है। अगर हम साधना की क्रिया करके नादानुसंधान की क्रिया करके अगर परमात्मा के सत्संग करते हैं तो यह प्रथम श्रेणी का सत्संग हुआ और द्वितीय श्रेणी का सत्संग अगर आप जिस समय है अगर उस समय जो पूर्ण संत हैं अगर आप उसका संग करते हैं तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग हुआ। और हम लोग सुन रहे थे कि अगर साधु समाज प्रयाग में गोता लगाएंगे तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष तीनों मिल जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मोक्ष, अगर साधु समाज प्रयाग में गोता लगाते रहेंगे तो एक दिन मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। यह मोक्ष तो हम लोग सुन रहे थे द्वितीय श्रेणी का सत्संग। अगर हम पूर्ण संत का संग करते हैं तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग हुआ। और तृतीय श्रेणी का सत्संग जो महापुरुष हो गए हैं उसके द्वारा जो रचित ग्रंथ है अगर उसका हम संग करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन में ढालते हैं, यह तृतीय श्रेणी का सत्संग हुआ। तो सत्संग में आने से ये चारों फल की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ धर्म और काम और मोक्ष। अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए सभी को सत्संग में आना चाहिए और अपना जीवन को सफल बनाना चाहिए। इतना ही कर वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।